भाई 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद ना फुल टायर्ड हो चुके हैं, बिल्कुल मूड नहीं था और ड्राइव करें और दिल्ली जाएं। तो हमने क्या किया, रुद्रपुर में रेडिसन में स्टे ले लिया। आज रात यहाँ रुकेंगे, फुल चिल मारेंगे, रेस्ट करेंगे, कल देखते हैं आफ्टरनून तक की प्लानिंग है वेस्ट दिल्ली की और निकल चलेंगे। बाकी इसी के साथ एक मॉल भी बना हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे KFC है और रिलायंस जी मार्ट है, वेस्टिन है, बर्गर किंग है। तो चलते हैं यार एक बार, कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हैं, फिर आपको अंदर पूरा रेडिसन घुमा दूँगा आज रात को। अपने रूम में तो आइए चलते हैं। 409 वाओ, ये है हमारा रूम ट्विन बेड का, अमेजिंग। राइट साइड में एलईडी पैनल है, पूरी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। ये थोड़ा सा लिटिल बेड वर्क फ्रॉम होम चलाने के लिए है, ऑफिस स्पेस। और यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए अपना आराम से सोफा कम बेड है, बैठो अपना, टीवी देखना है, कुछ अपना पार्टी वार्टी का मूड कर रहा है कह सकते हैं। अरे भाई साहब यहाँ भी कुछ है यार, वाओ गाइस ये देखो यार, हाईवे की प्रॉपर्टी का मजा ही कुछ हो रहा है। नीचे हमारी गाड़ी भी खड़ी है, वो भी दिख रही है, पूरा हाईवे दिख रहा है, मस्त, क्या बात है। ये हमारा राइट साइड में एक छोटा सा फ्रिज दे रखा है, कुछ चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं जैसे ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, वाटर बॉटल्स भी हैं, ये सब चार्जेबल है। और इसी के साथ वार्डरोब है और एक लॉकर है, प्रेस अवेलेबल है, सब कुछ है यार। आप पढ़ते हैं वॉशरूम की ओर, और ऊपर यहीं पे आलमंड्स अवेलेबल हैं, कैश्यू हैं, पिस्ता अवेलेबल है, और यहाँ पे टी मेकर के लिए टी कॉफ़ी अगर कुछ भी आपको अपना रेडी करना है तो आप कर सकते हो, सारा कुछ अवेलेबल है। और ये मेन्यू है मिनी बार का, आप लोग भी देख सकते हैं। अब आते हैं वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे टॉवल्स अवेलेबल हैं, हैंड टॉवल्स भी हैं, फुल टॉवल भी हैं, बाथ का ऑप्शन वहाँ पे सेपरेट है। यार हेयर ड्रायर मेरे काम का नहीं है। वाओ यार कन्वेक्स मिरर भी लगा हुआ है वॉशरूम में, ओह माय गॉड, एक एक ब्लैकहेड दिख रहा है यार। ये ना हिल्स पे गए थे ना तो मेरे को लग रहा थोड़ी ना टैनिंग भी आ गई है, एक आध मुझे यहाँ पिंपल सा भी निकल आया। कोई नहीं, आज रात को बहुत अच्छे से सब क्लीन हो जाएगा, फेस मास्क वगैरह बहुत कुछ पड़ा हमारे पास लगाने के लिए, डिटेन विटेन लगा के एकदम मस्त हो जाएंगे जैसे पहले थे। यार मुझे लग रहा है हमारे मिक्की भाई ना थक चुके हैं। ओ पाजी
क्या हो गया? वीडियो बना रहा है फिर से। क्या हो गया? थका नहीं क्या तू? वीडियो बना रहा जो भाई, हम थक गए तो फिर हमारी डीजी फैमिली का क्या होगा? उन तक सारी कैसे चीजें पहुंचेंगे? हम कहाँ हैं और उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं? बता तो दिया होगा तूने जब कैमरा लेके घूम तो रहा है। अरे बता तो दिया। अगर आपको क्या हो गया, आप क्यों लेटे पड़े हो? थक गया मैं, अब मुझे थोड़ी एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है। कौन सी? रेड बुल पड़ी तो ये फ्रिज में, लो ना जाके। बस अभी ले रहा हूँ, अब वीडियो को तो बंद करो, फिर आराम से लूंगा। चलो ठीक है, ठीक है, डन डन। स्विमिंग पूल बना हुआ है, स्पेस भी अच्छा है, काफ़ी बिग स्पेस का ये बना हुआ है, लेंथ भी इसकी अच्छी है। अगर आप पूरी स्विमिंग करते हैं 1 आवर, हाफ एन आवर, मज़ा आ जाएगा, मतलब थक जाओगे। और इसके पूरे सराउंडिंग में आप देख रहे हो काफ़ी सुंदर पाम ट्रीज लगे हुए हैं, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल आगे लॉन बना हुआ है। आफ्टर स्विमिंग अगर आप टायर्ड फील करते हैं, यहाँ शैक्स लगे हैं, आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। दैन उसके ठीक पीछे अगर आप कॉफ़ी वगैरह लेके, टी वगैरह लेके आराम से रिलैक्स होकर बैठना चाहते हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये? आप देखो, बास्केटबॉल का बना हुआ है, ये लॉन टेनिस, और सामने टेंपल। पास से देखते हैं।
आपको सारी वैरायटीज दिखा दी है जो जो ब्रेकफास्ट में अवेलेबल है, वेज और नॉन वेज। बट हाँ, मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिया है आज सुबह के ब्रेकफास्ट में। सबसे पहले पंजाबियों का नाश्ता भटूरे के छोले। आ वेखो इन्हों छोले, खिले खिले छोले ने। टेस्ट करके दसांगा तुहानू किस तरह के छोले ने। ते नाले थोड़े जे फ्रूट्स, थोड़ा हेल्दी डाइट लेना पसंद करते हैं यार हम। और ये है अपना चिकन सलामी, और एक और हेल्दी डाइट ली है इडली, थोड़ी सी चटनी नारियल की। चखते हैं, चखाते हैं और आपको बताते हैं। एक इन्होंने लिए हैं सॉटे वेजिटेबल्स, पकोड़े, ये मूंग दाल के लड्डू। इधर आ गया इनका मसाला डोसा, और साथ में ओहो ये क्या है, चीज़ ऑमलेट। हाँ, चीज़ ऑमलेट ही लग रहा है मुझे तो। ये देखो, आयशाबाशे। हाँ जी भाजी, कैसा लग रहा है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। मज़ेदार वैरायटी है खाने के लिए, तो अच्छा ही लग रहा है। क्या बात है। ये आपका एंट्री एरिया है, राइट साइड पे रिसेप्शन है, लेफ्ट साइड पे वेटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया बना रखा है, और राइट के बिल्कुल साइड में ही वेज आ रहा है जो लॉबी है अपना। लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं। ये पूरा आपका आ जाता है इनका डाइनिंग एरिया, ब्रेकफास्ट एरिया मॉर्निंग का। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, रेडिसन की चाय और बड़ों की राय हमेशा लेते रहना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़रूर करना, और बने रहिए बीइंग दिल्ली हाइट्स के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नए सफ़र में, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।